हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिलाई सीखो ए टू जेड यूट्यूब चैनल। और दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में कुछ कमेंट्स ले लेते हैं। काफ़ी टाइम से मेरे पास कुछ कमेंट मैंने सेव करके रखे हुए हैं और मैं चाहता हूँ आज उनका जवाब दे दिया जाए ताकि आपको आपके सवालों का जवाब मिल जाए। तो कुछ इस टाइप के कमेंट हैं, अगर मैं एक कमेंट का जवाब देता हूँ तो काफ़ी सारे लोगों को उनके आंसर मिल जाएंगे, क्योंकि एक से ही लगभग कमेंट करते हैं लोग ज़्यादातर। तो इस बात पे ध्यान दिया गया है, जैसे बुटीक खोलने से रिलेटेड या कितनी कमाई होती है बुटीक में, कारीगर कहाँ मिलेंगे, मास्टर कहाँ मिलेंगे, किस तरह से स्टार्ट करना है बुटीक। तो कुछ इस टाइप के कमेंट हैं और जल्दी से मैं जवाब देता हूँ कमेंट का। तो सबसे पहले कमेंट लेते हैं, यह है लासा विकांत जी का और ये लिखती हैं, सर मैं बुटीक खोलना चाहती हूँ, मास्टर किधर मिलेगा? तो देखिए लास्या जी, अगर आप खुद ट्रेंड हैं तो पहले आप अपने आप बुटीक स्टार्ट कीजिए। अगर आप कटिंग, सिलाई, डिज़ाइनिंग में आप ट्रेंड हैं और आपको लगता है कि आप बुटीक चला पाएंगे और हर टाइप का आप काम कर सकते हैं, जितने भी बुटीक में आइटम्स बनते हैं, आप अगर उनमें प्रॉपर तौर पे ट्रेंड हैं तो आप बुटीक खुद से स्टार्ट कीजिए। धीरे धीरे जब काम बढ़ेगा तो आप मास्टर भी रख लेंगे, मास्टर भी आपको मिल ही जाएंगे, ठीक है? तो सबसे पहले ज़रूरत है आपको खुद ट्रेंड बनने की, क्योंकि अगर आप खुद ट्रेंड नहीं हैं और आप चाहते हैं कि मास्टर के भरोसे बुटीक खोला जाए और चलाया जाए तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं होता। मास्टर तो हम रखते ही हैं जब काम ज़्यादा बढ़ता है, लेकिन सबसे पहले हमें खुद ट्रेंड बनना पड़ता है। तो आप खुद ट्रेंड बने, काम स्टार्ट करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मास्टर जी मिल जाएंगे, ठीक है? तो मुझे उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। अभी लेते हैं दूसरा कमेंट। दूसरा कमेंट है जसकरण जी का और ये लिखते हैं, सर ये बताओ शॉप में मंथली कितनी इनकम है अगर रोड पर बुटीक खोला जाए और सूट वगैरह भी उसमें बेचे जाएं? तो देखिए जसकरण जी, बुटीक में अच्छी खासी इनकम है अगर आप बहुत अच्छे से काम करते हैं और कस्टमर के ऊपर आपकी अच्छी खासी पकड़ बन जाती है, तो अच्छी खासी कमाई है। शुरुआत में अगर आप दिन भर में 5 कपड़े यानी 5 सूट मान लीजिए अगर सिलते हैं और एक सूट पर सब खर्चे निकालकर 200 रुपये की भी बचत होती है, तो 5 सूट पर 1000 रुपये की, तो महीने के 30 दिन होते हैं, तो 30 दिन में यानी 30,000 रुपये महीना तो आप सिर्फ सिलाई से ही कमा लेंगे। और ऐसे बहुत सारे आइटम्स होते हैं जिनमें और भी ज़्यादा कमाई होती है, जैसे पैडेड ब्लाउज, लहंगा, चोली, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, काफ़ी कमाई इनमें हो जाती है। और आप कह रहे हैं कि सूट भी आप सेल करना चाहते हैं तो उनका भी आपका इनकम जो है प्लस हो जाएगी, तो काफ़ी अच्छी खासी कमाई है। आप बुटीक स्टार्ट कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको धीरे धीरे खुद ही अनुभव हो जाएगा, ठीक है? तो लेते हैं तीसरा कमेंट। तीसरा कमेंट है सूफिया खातून जी का और ये लिखती हैं, सर मैं सिलाई करती हूँ पर ऑलराउंडर नहीं हूँ, पर मैं कोर्स करना चाहती हूँ, पर यहाँ पर कोर्स कोई नहीं करवाता, यहाँ कोई आसपास सिलाई सेंटर या इंस्टीट्यूट नहीं है, इनका कहना है। और ये बिहार से, नवादा से हैं, तो इनको कोई ऐसी सुविधा आसपास नहीं है जो कोई कोर्स करवा सके। कोई प्रॉब्लम नहीं है सूफिया जी, आपके अंदर लगन होनी चाहिए, आपके अंदर अगर आगे बढ़ने की, काम सीखने की लगन है तो आप YouTube की वीडियो देखकर ही प्रैक्टिस कीजिए, उनको प्रैक्टिकल कीजिए वीडियोस देख करके। काफ़ी अच्छी अच्छी वीडियो आपको YouTube पर भी मिल जाएंगी, काफ़ी अच्छे अच्छे YouTube चैनल हैं जो बहुत अच्छे से सिखाते हैं। या इस सिलाई सीखो ए टू जेड YouTube चैनल की वीडियो भी अगर आप पार्ट टू पार्ट देखेंगे तो काफ़ी नॉलेज आपको हो जाएगी और धीरे धीरे आप एक्सपर्ट इसमें बन जाएंगे, ठीक है? कोई प्रॉब्लम नहीं, आप सीखिए और प्रैक्टिस कीजिए। तो लेते हैं चौथा कमेंट और ये है कीर्ति जी, कीर्ति हीरावत जी, ये लिखते हैं, वेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो सर, थैंक यू। सर हमें बुटीक खोलना है, हमें शॉप से रिलेटेड कुछ कानूनी डॉक्यूमेंट के बारे में बताएं कि जब हम बुटीक खोलें उसमें कौन कौन सी कानूनी डॉक्यूमेंट लगनी होती हैं और ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, तो ये जानना चाहते हैं। तो देखिए कीर्ति जी, ऐसा कोई सरकार की तरफ से कोई ऐसा कोई नियम नहीं है बुटीक के लिए या दुकान के लिए, जो हम सिलाई का काम करते हैं, बुटीक का काम करते हैं, कि आपके पास कुछ कानूनन डॉक्यूमेंट हो तभी आप बुटीक खोल सकते हैं।
ऐसा कुछ नहीं है, आप बस इस फील्ड में ट्रेंड होने चाहिए। कटिंग, स्टिचिंग, डिज़ाइनिंग में आप ट्रेंड हो, आपको लग रहा है कि आप बुटीक चला सकते हैं, तो आप बुटीक खोल लीजिए। सिर्फ दो चीज़ों की आपको इसमें ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले, जब आप किराए पर शॉप लें तो उसका एग्रीमेंट ज़रूर करा लें। दूसरी बात, जब आपके पास काम बढ़ेगा, कारीगर आप रखेंगे, तो कारीगरों का सत्यापन ज़रूर करा लें। सत्यापन आप ऑनलाइन करा सकते हैं, पहले ऑफलाइन होता था। हमें कारीगर का आधार कार्ड लेके, फ़ोटो लेके और एक फार्म लेके, फार्म भर के हमें थाने में जमा करना होता था, और उसकी रिसीव कॉपी हमने मोहर लगवा के अपने अपने पास रखनी होती थी। तो आजकल सब ऑनलाइन हो गया, तो आप ऑनलाइन सत्यापन कारीगर का कराएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बुटीक स्टार्ट कीजिए। सिर्फ ये दो चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, और एक्स्ट्रा अगर आपके पास कोई टेक्निकली डिप्लोमा है, जैसे फैशन डिजाइनिंग डिप्लोमा या स्टिचिंग का कोई डिप्लोमा है, तो ये भी आपके काम आएगा। जब आपको बिजनेस बढ़ाने के लिए, अपना बुटीक बिजनेस बढ़ाने के लिए अगर आपको लोन वगैरह लेने की ज़रूरत पड़ती है, तो ये चीज़ें आपके काम आ सकती हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपका सवाल का जवाब मिल गया होगा। अभी लेते हैं पांचवा कमेंट, और ये है राजनाथ जी का, राजनाथ मारवाड़ी जी का, और ये लिखते हैं, सर मैंने कुछ दिन पहले ही आपका चैनल सब्सक्राइब किया है। फ्री टाइम में आपकी वीडियोस देखता हूँ। मुझे फुल कलियों वाले अनारकली सूट की कटिंग और स्टिचिंग बताएं। ठीक है राजनाथ जी, आजकल मेरे पास थोड़ा टाइम कम है, मैं स्टिचिंग की कटिंग की वीडियो थोड़ा बना नहीं पा रहा हूँ। बाकी मैं आने वाली वीडियो में कोशिश करूँगा आपको अनारकली सूट बहुत अच्छे से सिखाऊँ। और अगर आपको जल्दी सीखना है, तो YouTube पर और भी बहुत सारे चैनल हैं, उनकी वीडियो भी आप सर्च कर सकते हैं, बहुत अच्छे अच्छे से जो है उन्होंने सिखाया हुआ है। ठीक है, बाकी मैं कोशिश करूँगा आने वाली वीडियो में आपको सिखाऊँगा। ठीक है, तो लेते हैं छठा कमेंट, ये हर्ष व्यास जी, और ये लिखते हैं, वेरी यूज़फुल वीडियो सर, ये बताएं कि मैंने सिलाई का काम शुरू कर दिया है, पर समझ में नहीं आ रहा ब्लाउज की सिलाई कितनी लें। समझ में नहीं आ रहा है कि टाइम के हिसाब से लें या मेहनत के हिसाब से लें, इनका कुछ इस तरह का कमेंट है। तो मुझे लग रहा है शायद ये कस्टमर से जो रेट हम लेते हैं उसके बारे में पूछ रहे हैं। तो दोनों ही चीज़ें मैं बता देता हूँ आपको कि कारीगर को कितना देना है और कस्टमर से कितना लेना है। देखिए, ये आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड नहीं है, मेहनत कि आप अपनी मेहनत के हिसाब से आप अपने अकॉर्डिंग रेट सेट करेंगे, ऐसा नहीं होता। आपको रेट लेने हैं अपने एरिया वाइज, जो आपके आसपास, आपकी सिटी में या आपके कॉलोनी में, आपके शहर में, जहाँ भी आपका बुटीक है, वहाँ पे क्या रेट चल रहा है, किस आइटम का क्या रेट चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही आप अपने रेट रखें। तो ये एरिया वाइज ही अगर आप रेट रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, और सभी ऐसा ही करते हैं, एरिया वाइज ही रेट होते हैं। ऐसा नहीं कि सब बुटीकों में कुछ और रेट चल रहा है, आप कुछ और ही ले रहे हैं, तो वहाँ पे कस्टमर थोड़े टूट सकते हैं, या आप ज़्यादा ही कम ले रहे हैं तो वहाँ पे आपको भी इसमें घाटा हो सकता है। तो आप अपने आसपास के बुटीकों में थोड़ी जानकारी करें कि वहाँ पे कौन से आइटम का क्या रेट चल रहा है, तो आप अपना भी रेट उसके अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। रही बात कारीगर की, तो कारीगर का रेट भी आप उनके अकॉर्डिंग ही सेट करें, जो वहाँ के अच्छे बुटीक हैं, जिनका जो काफ़ी फेमस है, वहाँ से आप रेट के बारे में जानकारी करें और कारीगर को वही रेट दें, या उससे भी थोड़ा सा। अगर आप अच्छे से काम चला के रखना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि रेगुलर आपके यहाँ कारीगर काम करते रहें, तो आप उनसे 5 रुपये बढ़ा के आप पर पीस पे दे सकते हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हैं मेरे बुटीक के क्या रेट हैं, तो मैंने एक वीडियो बनाई थी, आप चैनल पर जाकर लोगों पर क्लिक करके आप सभी वीडियो चेक कर सकते हैं, उनमें वह वीडियो भी आपको मिल जाएगी। तो मुझे उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। तो लेते हैं सातवां कमेंट, और यह हैं सुमन गुलाटी जी, और ये लिखती हैं, कस्टमर टूट रहे हैं, क्या करूं, मेरे कारीगर कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं करते। तो सुमन जी, देखिए, कारीगर कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं करते, सेटिस्फाई तो हम अपने आप, हमें अपने आप कस्टमर को करना पड़ता है। जब हम बुटीक चलाते हैं, हम बुटीक के मालिक हैं, बुटीक के ओनर हैं, तो पूरी जिम्मेदारी हमारे हाथ में होती है, हम कस्टमर को कैसे सेटिस्फाई करें, उनको क्या प्रॉब्लमें आ रही हैं कस्टमर को। कारीगर ऐसी कौन सी गलतियां कर रहे हैं फिटिंग से संबंधित, या
सिलाई से संबंधित कुछ भी प्रॉब्लम है जो कस्टमर नाराज़ है, कस्टमर सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो उन चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। आपको कारीगर को भी देखना है, उनको भी मैनेज करना है। उनको अगर वह सही से काम नहीं कर रहे तो उनका काम चेक करना है, कहाँ पे वह गलतियाँ कर रहे हैं, कहीं आपकी कटिंग में गलती तो नहीं है, उनकी स्टिचिंग में गलती तो नहीं है। तो कारीगर को आप जो है सही से हैंडल करोगे, तब कस्टमर तक अच्छी डिलीवरी, अच्छी उनके अकॉर्डिंग जो है ड्रेस जाएगी, तो कस्टमर भी आपके सेटिस्फाई होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है इस चीज़ पर कि किस तरह से कहाँ पे कमी आ रही है। ठीक है, तो इस तरह से आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक है सुमन जी, तो भी लेते हैं नोवा कमेंट, इनका भी काफ़ी अच्छा कमेंट है। ये है अनुभव सार जी, और ये लिखते हैं, नमस्ते सर, सर हम ब्लाउज सलवार सूट सीते हैं, यानी काफ़ी सारे आइटम ये सिल लेते हैं, तो हमें बुटीक खोलने से पहले कहीं दूसरे बुटीक में कारीगरी करनी होगी क्या अनुभव के लिए? इनका कहना है ये लगभग सभी आइटम्स सिल लेते हैं, और अनुभव करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए बुटीक खोलने से पहले यह है कारीगरी अगर करें तो कैसा रहेगा। तो ये बहुत अच्छा रहेगा, कारीगरी अगर आप कर लेंगे 2-4 महीने तो काफ़ी अच्छा इसका रिजल्ट रहता है। जब हम बुटीक चलाते हैं तो काम सीखने के बाद, मैं तो बल्कि सबको कहना चाहता हूँ जितने भी लोग बुटीक खोलते हैं, अगर आपने फैशन डिजाइनिंग कोर्स किया है, सिलाई का कोर्स किया है, या आपने पूरा काम सीख लिया है कहीं से, तो उसके बाद आप 2-4 महीने कहीं किसी बुटीक में कारीगरी करें, या वहाँ पे थोड़े दिन फ्री सेवा दें, वहाँ पे सीखें थोड़ा कि वहाँ का किस तरह का मैनेजमेंट है। तो कारीगरी करने से भी काफ़ी जो है हमारे जो प्रतिभा होती है उसमें निखार आता है। मैंने भी बहुत जगह, बहुत बुटीकों में कारीगरी की थी, और काफ़ी बाद में आकर मैंने अपना बुटीक खोला तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। कारीगरी करने से एक निखार आता है, कारीगरी करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक, अगर आप कर सकते हैं, आपके पास टाइम है तो आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये लास्ट कमेंट था दोस्तों। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ कमेंट जिनका मैंने जवाब देने की कोशिश की। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, सब्सक्राइब करके बेल बटन भी दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ उसकी जानकारी आपको मिलती रहे। और आपके मन में भी अगर कोई सवाल है बुटीक लाइन से रिलेटेड, अपनी फील्ड सिलाई डिजाइनिंग कटिंग स्टिचिंग बुटीक लाइन से रिलेटेड कोई भी आपके मन में सवाल है तो आप कमेंट कीजिए, किसी भी वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, तो मैं कोशिश करूँगा आपके सवाल लेने की और उनका जवाब देने की। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।